दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल ऊषा की किरण में मैं हूं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की एक और शानदार गाड़ी टाटा एल पी टी अट्ठारह सी के बारे में दोस्तों अगर हम गाड़ी के व्हीकल वेट की बात करें तो गाड़ी आती है अट्ठाइस टन व्हीकल वेट के साथ में जहाँ पर आपको काफी मात्रा में यानी कि लगभग अट्ठारह टन से लेकर के साढ़े टन तक का पे लोड इन गाड़ियों के साथ में मिल जाता है अगर हम कीमतों की बात करें दोस्तों तो कीमतों के बारे में मैं आपको एक टेंटेटिव आइडिया देना चाहूँगा इसको आप कोड मत करिएगा क्योंकि जगह और समय और परिस्थितियों के अनुसार कीमतें भिन्न भी हो सकती हैं चौंतीस लाख रुपये के आसपास के एक्सोरूम कीमतों के अंदर आप इन गाड़ियों को खरीद सकते हैं फिलहाल इसका जो एल पी है इस वेरियंट को दोस्तों आप जब खरीदते हैं जब आपको अपने इच्छा के अनुसार बॉडी बनवानी होती है हालांकि दोस्तों आप इस गाड़ी को सिग्ना केबिन के साथ में भी परचेज कर सकते हैं जो कि इसका मॉडल आता है अट्ठाईस अट्ठारह डॉट टी के नाम से फिलहाल हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की इस एल पी टी अट्ठारह सी के बारे में तो दोस्तों आप देख सकते हैं सामने की साइड में यहाँ पर आपको काफी मजबूत जो है इसके अंदर काउल चेसिस मिलता है जिसके अंदर आपको यहाँ पर हाफ बॉडी प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर सामने की साइड में आपको टाटा का लोगो मिलेगा टाटा की ब्रांडिंग है और यहीं पर आपको जो है इसके अंदर एक विंडो दिया जाता है जिससे कि आपको यहाँ पर जो है इसके अंदर रेडिएटर का कभी कूलेंट वगैरह चेक करना है या बाकी चीज़ों को जो है आप यहाँ पर इजीली जांच पड़ताल कर सकते हैं और दूसरा दोस्तों यहाँ से आपके रेडिएटर को डायरेक्टली ठंडी हवा भी मिलती रहती है तो दोस्तों यह है इसका सामने का एक विंडो जिसके माध्यम से आप छोटा मोटा कुछ जांच पड़ताल करना चाहें तो आप इजिली कर सकते हैं अब अगर हम बात करें इसकी मजबूती की तो आप सामने की साइड में देख रहे हैं आपको इसके अंदर जो है सिंगल पीस का ये काफ़ी बड़ा और मजबूत जो है बम्पर दिया गया है इसी के ऊपर जो है इसकी हेडलाइट को यहाँ पर माउंट किया है हालांकि जब आप अपनी गाड़ी की बॉडी का निर्माण करवाते हैं तो यहाँ पर आपको अलग से स्पेस भी प्रोवाइड किया गया है जिससे कि आप यहाँ पर और एडिशनल हेडलाइट वगैरह लगवा सकते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं टाटा मोटर्स की क्वालिटी अश्योरेंस की ब्रांडिंग है और काफ़ी बड़े आपको जो है इसके अंदर टर्न इंडिकेटर प्रोवाइड किए हैं यहाँ नीचे की साइड में आपको एक और लोअर बम्पर दिया है यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट लगेगी यहाँ पर आपको हुक करके लेके जाने के लिए भी पर्याय यहाँ पर दिए गए हैं अगर दोस्तों हम काउल चेसिस की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ इस तरह का जो है आपको स्ट्रक्चर मिलता है ड्राइवर को यहाँ पर एक विंडो दिया जाता है जो कि कंपनी से जब गाड़ी आती है डीलर के पास में या आप खरीदते हैं तो आपको ये जो है हिस्सा देखने के लिए मिलता है और अब हम बात करते हैं दोस्तों गाड़ी की हम साइड प्रोफाइल की तो आप देखेंगे ये जो गाड़ी है काफ़ी एक लॉन्ग व्हीकल है टायर की बात करते हैं तो टू नाइन्टी फाइव बाई नाइन्टी आर ट्वेंटी यहाँ पर आपको इसके अंदर काफ़ी बड़े और ड्यूरेबल टायर जो है दिए गए हैं फिलहाल जे के टायर लगे हुए हैं और अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करेंगे यहाँ पर आपको इसके अंदर पैराबोलिक लिप स्प्रिंग सस्पेंशन दिए हैं जो कि काफ़ी मजबूत कमानी पट्टे के साथ में है और साथ ही आपको यहाँ पर जो है एंटी रोल बार जैसी सुविधाएँ भी प्रोवाइड की गई हैं और इस तरह का ये आपका सस्पेंशन है और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको इसके अंदर जो है एच पॉलीमर टैंक मिलता है फ्यूल टैंक इसके अंदर आपको यहाँ पर तीन लीटर जो है डीजल फिल करने का जो है व्यवस्था की है एक काफ़ी मात्रा में आपको डीजल फिल करने का यहाँ पर ऑप्शन है जिससे कि आप लंबी दूरी तक की यात्रा को अनवरत रूप से कंप्लीट कर पाते हैं यानी कि आपको बार बार रिफिलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है साथ ही दोस्तों आपके डीजल को कोई चोरी ना कर पाए तो इसके अंदर आपको एंटी थेफ्ट अलार्म जैसी सुविधाएं भी गाड़ियों के साथ में टाटा मोटर्स ने प्रोवाइड की हैं और इस साइड में ही आपको इसका साठ लीटर का एड ब्लू दिया गया है और यहीं पर अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर इसका ईट सिस्टम यानी कि एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट यूनिट को फिट किया गया है यह आपका एग्जॉस्ट पाइप है तो दोस्तों ओवरऑल देखते हैं आप तो गाड़ी की जो है हमें काफ़ी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर सारी की सारी को दिया है और अब हम बात करें इसके फ्रेम के बारे में तो आप देखेंगे काफी मजबूत फ्रेम आपको यहाँ पर आ, मिलता है जो कि लेडर टाइप का चेसिस फ्रेम है साढ़े आठ एम एम जो है थिकनेस वाला आपको चेसिस प्रोवाइड किया गया है जो कि काफी मजबूत है और काफी ड्यूरेबल है जिससे कि आपको यहाँ पर अच्छी खासी लोड कैरिंग कैपेसिटी मिलती है और दोस्तों ये जो है काफी ड्यूरेबल भी होता है तो दोस्तों ये फ्रेम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साइड के जो गार्ड वगैरह हैं जिनको कि जब आप बॉडी बनवाएंगे तो साइड जो गार्ड रेल है वो भी यहाँ पर आपको दी गई है अब दोस्तों बात करते हैं गाड़ियों के पीछे वाले सस्पेंशन की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी मजबूत जो है इसके अंदर सेमी लिप्टिकल लिप स्प्रिंग सस्पेंशन पीछे की साइड में दिए गए हैं जो कि आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी लोड कैरिंग कैपेसिटी और एक कम्फर्ट जो है यहाँ पर आपको देते हैं अगर हम पास चल के देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको बेल क्रैंक के साथ में जो है इसके अंदर ये जो है कमानी पट्टे का सस्पेंशन यहाँ पर प्रोवाइड किया है इन गाड़ियों को जो है आप चार तरह के व्हील बेस ऑप्शन के साथ में परचेज कर सकते हैं फिलहाल हमारे सामने जो ये व्हील बेस है यानी कि ये जो गाड़ी है सबसे लंबे व्हील बेस वाली ये गाड़ी है जिसके अगर हम व्हील बेस की बात करें तो 6750 मिलीमीटर mm का इसका व्हील बेस है आप इसको 5905 एमएम mm, 5505 एमएम mm, और 4880 मिलीमीटर mm व्हील बेस के साथ में भी परचेज कर सकते हैं तो यहाँ पर आपकी जरूरत के अनुसार इस तरह के पर्याय में ये गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं वहीं दोस्तों अगर हम इसके डेक लेंथ की बात करें तो यहाँ पर आपको डेक लेंथ भी काफ़ी शानदार मिल जाते हैं छः हज़ार आठ सौ अट्ठावन एम सात हज़ार तीन सौ पंद्रह एम एम आठ हज़ार दो सौ तीस एम एम और नौ हज़ार सात सौ चौवन मिली मीटर डेक लेंथ के साथ में भी आप इन गाड़ियों को यहाँ पर परचेज कर सकते हैं साथ ही दोस्तों आप अपनी गाड़ी को अकेले ही रिवर्स कर सकें तो आजकल हर गाड़ियों के साथ में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं तो टाटा मोटर की अट्ठाईस अट्ठारह के अंदर भी यहाँ पर आपको काफ़ी शानदार पाँच पाँच रिवर्स पार्किंग सेंसर प्रोवाइड किए हैं जिससे कि आप अकेले ही अपनी गाड़ी को रिवर्स कर पाते हैं और एक अच्छी चीज़ दोस्तों कि यहाँ पर आपकी विजिबिलिटी को एनहेंस करने के लिए नाइट के समय में काफ़ी सुंदर लगने के लिए यहाँ पर आपको जो टेल लैंप दिए गए हैं ये पूरे के पूरे आपको एल प्रोवाइड किए हैं पीछे की साइड में आपको ये बंपर दिया गया है स्टॉपर है ये सारी ही एस कंपनी के द्वारा आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं और इस साइड में आपको जो है इसका स्पेयर व्हील दिया गया है जिसको निकालना यूज करना भी काफ़ी कंफर्टेबल होता है आप इजीली इसको यहाँ से टूल के द्वारा रोटेट करेंगे और इजीली जो है ये डाउन हो जाता है तो दोस्तों ये जो गाड़ियां हैं काफ़ी मज़बूत हैं काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट इंजन के साथ में कंपनी ने अपनी इन गाड़ियों को यहाँ पर अवेलेबल करवाया है आप देख सकते हैं एयर प्रेशर के टैंक हैं जिनको कि काफ़ी व्यवस्थित करके यहाँ पर लगाया गया है काफ़ी मजबूत आपको पाइपिंग वगैरह दी गई है और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपकी दो बैटरी मिलेंगी जो कि चौबीस वोल्ट के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए आपके लिए यहाँ पर दी गई है यहीं पर आपका इसका ऑन ऑफ कनेक्ट

उस टाइप के सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन ऑर्गेनिक लाइनिंग के साथ में आने वाले क्लच प्लेट का यहाँ पर इस्तेमाल किया है दोस्तों अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पर टाटा का जी नाइन फिफ्टी छः आगे और एक रिवर्स यानी कि आपको यहाँ पर जो है इसके अंदर काफ़ी बेहतरीन जो है ट्रांसमिशन गाड़ी के साथ में प्रोवाइड किया गया है अब दोस्तों हम बात करते हैं ड्राइवर के केबिन की तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि काउल के अंदर आपको कुछ इस तरह का जो है स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है जिसका आप मॉडिफिकेशन गाड़ी बनवाते समय अपनी इच्छा कर के अनुसार करवा सकते हैं स्टीयरिंग की अगर हम बात करें दोस्तों तो पर आपको स्पोक के साथ में आने वाला पावर स्टेयरिंग दिया गया है जो की फिक्स टाइप का स्टेरिंग है और यहीं पर आपका जो है इसका हॉर्न वगैरह मिल जाता है ये इस तरह से आपको इसका हॉर्न मिलेगा और यहाँ पर आपके वाइपर के कंट्रोल है इस साइड में आपके लाइट के कंट्रोल है गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर काफी बेहतरीन फीचर दिए गए कंपनी के द्वारा जैसे कि हम टेलीमेटिक्स की बात करते हैं तीन साल के सब्सक्रिप्शन के साथ में आपको इसके अंदर जो है टेलीमेटिक्स प्रोवाइड किया गया है और अगर हम बात करें इसके गियर शिफ्ट लीवर की तो आप देख सकते हैं केबल टाइप की आपको तो शिफ्टिंग मिलती है गियर शिफ्टिंग जिससे कि आप इजीली इसको ऑपरेट कर पाते हैं हैंस जो है आपको यहाँ पर जो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है तो दोस्तों ये इसका स्टेरिंग है और अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की यहाँ पर आपको काफी बड़ा जो है इसके अंदर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दिया गया है जिसके दोनों ही साइड में आप देखेंगे एनालॉग मीटर है और जैसे ही आप की को हल्का सा ऑन करते हैं कुछ इस तरह से जो है आपको यहाँ पर बीच में एक डिजिटल इन्फॉर्मेशन भी शो होने वाला एक डिस्प्ले दिखाई देता है जिसके अंदर वेलकम है और यहाँ पर आपका इसके अंदर जो है कितना एयर प्रेशर है कितने बार का प्रेशर है कितना डेफ का लेवल है कितना इसके अंदर आपका फ्यूल टैंक के अंदर कितना डिस्टेंस टू एम है और हैवी लोड में चल रहे हो या आप कौन से लोड में चल रहे हो क्या टाइम है टाइलिमेटिक्स बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो होती रहती है गाड़ी चलाने के दौरान साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर गियर शिफ्ट एडवाइज़र जैसी चीज़ें मिलती हैं जिससे कि आपको पता चलता है कि आप कौन सी स्पीड के अंदर अपने गियर को डाल रहे हैं यानी कि सही गियर और सही स्पीड का आप चुनाव कर सकते हैं इस साइड में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको कुछ बटन्स वगैरह दिए गए हैं साथ ही दोस्तों इसके अंदर आपको तीन मोड भी दिए गए हैं जिससे कि आपकी फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पर बढ़ जाती है हैवी मीडियम और लाइट इसको आप अपने लोड के अनुसार सेलेक्ट करके अपनी गाड़ी को चला सकते हैं यहाँ का हज़ार लाइट का स्विच है यहाँ पर आपका और अदर बटन्स दिए गए हैं यहाँ पर आपका ये जो है रीजनरेशन के स्विच है काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आपको जरूरत पड़े तभी ऑपरेट करना है अन्यथा नहीं करना है तो दोस्तों इस तरह का इसका जो है डिस्प्ले है और ये हमारा स्टेरिंग है अब हम बात करें इसके अदर फीचर की तो गाड़ी के साथ में आपको यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड रूप से जो है ब्लोवर ब्लोअर जो है प्रोवाइड किए जाते हैं आप देख सकते हैं और आप इसका अगर सेगना केबल लेते हैं तो वहाँ पर आपको बिलो के साथ में जो है ए वगैरह जो है वो ऑप्शनली लेने का प्रावधान होता है तो इसको आप अपनी बॉडी बनाएंगे उस तो समय पर आप इसको जो है मॉडिफाई करके फिट करवा सकते हैं साथ ही दोस्तों आप अपने इंजन की जांच पड़ताल का भी करना चाहते हैं तो इस बोनट को यहां से ओपन करके जो है आप यहां से ओपन करके इजीली जो है जांच पड़ताल भी कर सकते हैं काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर भी दी गई है कि आपको किस तरह के डायरेक्शन में किस तरह की रोड कंडीशंस में जो है आपको यहाँ पर अपनी गाड़ी को ऑपरेट करना चाहिए तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं टाटा मोटर्स की इस शानदार गाड़ी एल पी टी सी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको तमाम सारी जानकारियां दे दी है फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं इस गाड़ी का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत